जनमानस में संस्कृति के विभिन्न आयाम हम सहज ही देखते हैं और इन आयामों के साथ साथ विशिष्ट आकृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव सभ्यता के विकास के साथ मानव निर्मित भित्ति चित्रों, भूतल चित्रों, विभिन्न आयामों, आकृतियों में भी परिवर्तन तथा विकास होता रहा है। हम देख सकते हैं देश के हर क्षेत्र में विभिन्न अवसरों, त्योहारों और अनुष्ठानों पर विशिष्ट चित्राकृतियों को उकेरने की परंपरा आज भी विद्यमान है। और इसी परंपरा को शाश्वत रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत कराने तथा नई पीढ़ी को उसका परिचय कराने और साथ ही इस समृद्ध परंपरा को संरक्षित कराने की दृष्टि से समय समय पर आदिम कला और संस्कृति प्रदर्शन किए जाते हैं। इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं ये कोई आदिवासी गांव नहीं, ये नागपुर के दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का एक बड़ा परिसर है जिसमें इस वक्त शिल्प मेला लगा हुआ है और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर से जुड़े प्रदेशों से हस्तशिल्पी लोक कलाकार इस वक्त यहाँ अपने अपने प्रदेशों की लोक कला और संस्कृति यहाँ उकेरने में लगे हैं। मेरा आने का यहाँ पर आने का एक मकसद है कि इस सेंटर को इंडिया का एक सबसे बड़ा कल्चर सेंटर बनाना और कुछ ऐसा कर जाना है कि जिसको और संस्थाएं भी जिसको फॉलो करें। दरअसल नागपुर में 1986 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों को अपनी गोद में समाने वाले इस केंद्र में अब छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी जुड़ गए हैं। साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, जिसको दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हिंदी में कहते हैं, यह भारत सरकार के अधीनस्थ है जो संस्कृति मंत्रालय से इसको बिलोंग करता है। हमारे इस केंद्र में 5 राज्यों की गणना होती है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन सभी राज्यों की कला क्षेत्र, इन सभी राज्य के कलाकार और जिन जिन विधाओं में कला का बढ़ावा देना है उस कार्य के लिए हमारा एक केंद्र बना है। केंद्र का उद्देश्य बड़ा साफ है, इन प्रदेशों की कला और संस्कृति को संरक्षित करना तथा विभिन्न संस्कृति का आज की पीढ़ी को परिचय कराना। केंद्र के माध्यम से सभी जो लोक आदिवासी कलाकार है इनको मंच प्रदान किया गया है, जिसके कारण जिनका परिचय हमें हमारी जो लोक आदिवासी संस्कृति है, हमारे जो आज के आने वाली पीढ़ी है उनको हमने हमारे संस्कृति का दर्शन करवाया है ताकि वो उससे परिचित हो कि हमारे देश की इस महान संस्कृति क्या है। हमेशा से ही भारत की आदिम कलाएं और हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक और परंपरागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम रहे हैं। हमारा देश
अपनी एक विशेष सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान लिए आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है और ये प्रचलित कला विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। हर प्रदेश की कला की अपनी विशेष शैली और पद्धति है, हम जिसे लोक कला के नाम से जानते हैं। लेकिन लोक कला के अलावा परंपरागत कला का एक दूसरा रूप भी है जो हमारे यहाँ की अलग अलग जनजातियों और देहातों में प्रचलित है। इसे हम आदिम जनजातीय कला भी कह सकते हैं। हमारे केंद्र में जिस प्रकार से गतिविधियाँ हो रही है, ये इसी प्रकार की गतिविधियाँ बाकी जो हमारे 6 भाई है, जो 6 केंद्र है अलग अलग जगह पे क्षेत्रों में, वो भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो काम करने का प्रकार है, हमने जिस प्रकार से इसमें बढ़ोतरी की है, उन्नति की है, वो काफ़ी एडमरेबल है, काफ़ी प्रशंसनीय है, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। विशेष तौर पे नागपुर में हम विविध प्रकार की योजनाएं कलाकारों के लिए लाई है। भारत सरकार की ओर से हमें कॉर्पस दिया गया है जो बहुत ही कम है। सही माने में भारत सरकार ने हमें सैलरी ग्रांट देनी चाहिए। ये भित्ति चित्र मूलतः गोंड आदिवासी चित्र शैली में बने हुए हैं। ये आदिवासी देवी देवताओं की पारंपरिक कहानियों पर बने हुए चित्र हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए मिट्टी, भूसा और गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और चित्रों को बनाने के लिए ये कलाकार दीवारों को ठीक उसी तरह तैयार कर रहे हैं जैसे ठेठ गांवों की दीवारें हुआ करती है। ये चित्र सिर्फ दीवारों पर ही बनाए जाते हैं ऐसा नहीं। आदिम जीवन इन चित्रों को अपनी अनाज रखने वाली कोठियों पर भी बनाते हैं और चित्रों में वो सब चीजें होती है जो हमारे नित्य उपयोग में आती है या फिर हमारे आसपास दिखाई देती है। ये अति प्राचीन आदिवासी गोंड संस्कृति का हिस्सा है। यह भिल्ल भित्ति चित्र, ये चित्र हम मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों के घरों की दीवारों पर उकेरे हुए देख सकते हैं। ये चित्र मिट्टी से बने हुए हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश के जनजातीय जीवन पर बाहरी परिवेश का प्रभाव भी कमोबेश रूप में दिख जाता है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कई जनजातियां ऐसी हैं जिनकी परंपराएं जीवंत और सशक्त भी हैं और उनकी एक विशिष्ट पहचान के साथ उभर कर आती है। NCPE एक स्कीम है, नेशनल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे आज अब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लोगों को आंध्र की कला हो गई, राजस्थान की कला हो गई, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, इन राज्यों की जो कला है, वो कला प्रकार है, उसकी जानकारी, उसका पूरा लाइव प्रोग्राम यहाँ पे हम उस स्कीम के अंतर्गत वहाँ के कलाकारों को बुला के दिखाते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ के कलाकार उस राज्य में, उस पूरे रीजन में हम भेजते हैं जिसमें संस्कृति का आदान प्रदान होता है, वहाँ के लोगों को दूसरे राज्य की संस्कृति का पता होता है। जो जनजातीय मिथकों और लोक कथाओं में सुरक्षित रखी गई है। अपने मूल के संबंध में हर जनजाति के मिथक और उनकी दंत कथाएं है जरूर। इनके अपने विवाह के गीत हैं
और जन्मोत्सव मनाने का अपना अलग तरीका, और यही सब इन भित्ति चित्रों में हम देख सकते हैं जो इस आदिम जीवन की सांस्कृतिक विरासत है। छत्तीसगढ़ की भूरिया आदिवासी जनजाति का ये घोटुल है। लकड़ियों पर बनाए गए ये काष्ठ शिल्प दीवारों पर लिपाई करने के बाद शादियों में किए जाने वाले मांदरी नृत्य तथा चिटकुली नृत्य के शिल्प बड़ी बड़ी लकड़ियों पर बनाए जाते हैं। घोटुल में कार्यक्रम, पूजा, शादी, बैठक, निर्णय आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और इन्हीं को इन शिल्पों का हिस्सा बनाया जाता है। वैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की ये अति प्राचीन शिल्प कला है। छत्तीसगढ़ में धर्म, कला और इतिहास की त्रिवेणी अविरल रूप से प्रवाहित होती रही है, जो आज इस एक कलात्मक विरासत के रूप में छत्तीसगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान कर रही है। लेकिन इसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो है कला को मिलने वाला प्रोत्साहन, कला के उत्थान के लिए होने वाला सतत प्रयास, और इसी से होता है जनजातीय पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का संरक्षण। जनजातीय कला सामान्य रूप से ग्रामीण इलाकों में देखी गई उस सृजनात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है जो जनजातीय लोगों को शिल्पकारिता के लिए प्रेरित करती है। ये एक स्कीम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है चौपाल के नाम से, जहाँ पे हम ग्रास रूट लेवल के ना केवल आर्टिस्टों को टैप करेंगे बल्कि पंचायतों के साथ मिलकर उन्हीं के क्षेत्रों में जहाँ पर आज तक कोई जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया, गांवों गांवों में जाकर के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इस बार भी लगभग हमने 200 प्रोग्राम पंचायतों के साथ मिलकर आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। विविध कला, परंपरा और संस्कृति वाला देश है, और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत भी सदियों से क्रमिक रूप में अपने विकास और उसमें भी आगे अपनी समृद्धता की ओर बढ़ रही है। हमारी संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति में भी अलग है। लोगों की भाषाएं, पहराव, धार्मिक विधियां, मान्यताएं, ये सब अलग अलग देखने को मिलती हैं, लेकिन हर प्रदेश में लोगों का सांस्कृतिक स्वभाव एक सा ही मिलता है। आज भी हमारे पास में कई सारे ऐसे उभरते हुए कलाकार आते हैं जिनको इस केंद्र की ओर से, हमारे केंद्र की तरफ से आयोजित किए करने वाले, होने वाले, भविष्य में होने वाले कई प्रकार के वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, प्रोग्राम्स हो, इसमें भाग दिया जाता है जिससे हमारे भारतीय संस्कृति का दर्शन हो। हर प्रदेश में दीवारों पर उकेरी जाने वाली कलाकृतियां भले ही अलग अलग हो, लेकिन दीवारों पर चित्र बनाने वाली बात बिल्कुल समान है। इन आंध्र प्रदेश के कलाकारों को देखिए, ये आंध्रा झोपड़ी कला कहलाती है। बालु कल्ल तिन्नदान मत्तु गुन्नवे, बोरु गल्लु पिल्ल बोल वेलुगुतुन्नवे। वैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत में आंध्र प्रदेश का योगदान बड़ा ही उल्लेखनीय है। पुरातन समय से ही आंध्र में वास्तुकला और चित्रकला अत्यंत विकसित रही।
हमारा पेंटिंग चेरियाल पेंटिंग बोलता है इसको, आंध्रा में बहुत फेमस आर्ट है। ये आर्ट करने वाला सिर्फ 5 आदमी है। हमारा काम पूरा, हमारा फैमिली भी करते हैं, हमारा पत्नी एन वनजा हमारा साथ, हमारा बच्ची भी हमारा काम करते हैं। भारतीय नृत्य परंपरा ने तो आंध्र प्रदेश से बहुत कुछ ग्रहण किया है। द्रविड़ संस्कृति की 4 प्रमुख भाषाओं में से एक तेलुगु भाषा का स्थान भी भारतीय भाषाओं में बड़ा ही सम्मानित है, और ये भाषा अपनी पुरातन शैली और मधुर प्रवाह के लिए भी बड़ी विख्यात है। और इसी आंध्र प्रदेश में घुल मिलकर भी अपनी अलग पहचान रखती तेलंगाना संस्कृति यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध बनाती है। एनजीओ मूवमेंट को इस रीजन में स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत है कि बगैर उनके डेवलप किए हम कल्चर का जो 100% जो गोल अटेन करने का कल्चर ग्रोथ का वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो है कि यंग प्रोफेशनल आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं बड़े स्केल पर यूज में ला रहा हूँ। नाम ही की तरह यह दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र विभिन्न राज्य की संस्कृति, इन कला शिल्पियों के कला प्रेम और दुलार से अपने आप में समाकर बड़ी शान से इठलाता है।